पैट्रिक और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के दम पर किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स की आखिरी 17 गेंदों में 8 रन के अंदर 7 विकेट निकालकर आईपीएल लीग के 13वें मैच में 14 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। दिल्ली कैपिटल्स की पारी में सैम कुरैन और मोहम्मद शमी की आखिरी 4 ओवर मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुए। दिल्ली के सामने 167 रन का लक्ष्य था और एक समय उसका स्कोर 3 विकेट पर 144 रन था, लेकिन यहां से मैच का पासा पलट गया। दिल्ली ने 17 गेंद के अंदर केवल 8 रन बनाए और इस बीच बाकी बचे 7 विकेट गवा दिए और पूरी टीम 19.2 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गई। शमी और कुरैन ने लिखी दिल्ली की हार की पटकथा। ऋषभ पंत और कोलिन इनग्राम के बीच 4th विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी बेकार चली गई। किंग्स इलेवन पंजाब को मोहम्मद शमी ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर मैच में वापसी दिलाई तो सैम कुरैन ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। इन दोनों के अलावा कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने 31 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को शीर्ष क्रम में क्रिस गिल की कमी खली। उसने नियमित अंतराल में विकेट गंवाए।